हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे नींद में आने वाले सपनों के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए नींद बहुत ही जरूरी होता है। हमें कम से कम 6 से 8 घंटे रोजाना नींद लेना चाहिए। अगर हम रोजाना समय पे सोते हैं और समय से जागते हैं तो इससे हम बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, अगर हम नींद भरपूर मात्रा में लेते हैं तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब हम आराम कर रहे होते हैं उस वक्त भी हमारा दिमाग काम करता है, जिसके वजह से हम सपने देखते हैं। दोस्तों, जब हम सपने देखते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस हमें दुनिया का सैर कराने के लिए तैयार रहता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को सपने में देखते हैं। साइकोथेरेपिस्ट के अनुसार जो हम अपने बारे में या फिर समाज के या दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, हम उसी से रिलेटेड चीज़ों को सपने में देखते हैं। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस हमें आने वाले कल को आगाह करता है, हमारे आने वाले कल की कुछ चीज़ों को बताता है जो हम सपने में देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आप सबको बताती हूँ कि अगर सपने में आप इन 7 चीज़ों को देखते हैं तो इसका मतलब क्या है। दोस्तों, अगर आप सपने में गिरते हैं तो इसका मतलब है कि आप में नियंत्रण की कमी है, आप चिंता करते हैं, ये आपके लिए खतरे का संकेत है। इसको दूर करने के लिए आपको कसरत और योगा करना बहुत ही जरूरी है, ताकि इससे आप ध्यान दे सके अपने काम पर और फोकस कर सके, आप अपने हर चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सकें, जिससे आपको आने वाली मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप सपने में डिब्बा देखते हैं तो इसका मतलब है निराशा या फिर रहस्य। कोई बात आपसे छुपाई जा रही है, आपके घर वाले या कोई आपके सगे संबंधी आपसे कोई गंभीर बात छुपा रहे हैं। अगर आप उस डब्बे को खोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बड़े बात का खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सपने में दांत देखते हैं, दांत का टूटना या फिर दांत साफ करते हुए, तो इसका मतलब है ये आपकी उम्र और स्वास्थ्य से रिलेटेड है। दोस्तों, इसका मतलब दिखावट भी हो सकता है। दांतों का गिरना आपको आने वाली नई स्थिति के बारे में जागरूक करवा रहा होता है। अगर आप सपने में दांत गिरता हुआ देखते हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपकी स्थिति गिर सकती है, इसलिए आप अपने मजबूत स्थिति के लिए आज से ही तैयार हो जाएं। अगर आप दांतों को साफ करते हुए सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को ला सकता है। ये आपको इंडिकेट करता है कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। दोस्तों, अगर सपने में आप किसी की मौत देखते हैं या खुद की मौत देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज का खात्मा कर रहे हैं या फिर आप भावनाओं में बदलाव ला रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने अहंकार की वजह से किसी चीज का, किसी रिलेशन को खत्म कर रहे हैं और अपने भावनाओं में बदलाव ला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने सपने में पैसा देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके जीवन में मूल्यवान बदलाव लाएगा, जो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अगर आप सपने में पैसा देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने सपने में उड़ना देखते हैं, यानी आप सपने में उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपके अंदर साहस और सकारात्मकता का संकेत है। दोस्तों, अगर आप सपने में उड़ना देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप तनाव से छुटकारा पाते हैं, आप किसी भी प्रकार के तनाव या दबाव से छुटकारा पाते हैं। किसी भी तरह का टेंशन है या फिर डिप्रेशन है तो ये खत्म हो जाता है। अगर आप अपने सपने में समाज के सामने खुद को नंगा देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी गलती के लिए पहचाने जा चुके हैं या अपनी गलती के लिए पहचाने जाएंगे, जिसका खुलासा सबके सामने हो सकता है। तो देखा दोस्तों, अगर सपने में आप इन 7 चीजों को देखते हैं तो इसका मतलब क्या है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं
तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।